आज हम बात करने वाले हैं जलों का अवचरण यानी लीच थेरेपी के मिरेक्युलस बेनिफिट्स के बारे में। लीच थेरेपी के क्या कॉमन मिथ्स हैं, क्या गलत फहमियाँ हैं, क्या ये पेनफुल है, क्या ये सेफ है, कौन से डिजीजेस को ये ठीक करता है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें ऐसे रोग है जिस रोग के बारे में उन्हें ऐसा लगता था कि ये रोग को मैनेज भी नहीं किया जा सकता, ये रोग को रिलीफ भी नहीं किया जा सकता है, थोड़ा बहुत आराम भी नहीं मिल सकता, लीच में ऐसी क्षमता है कि उस रोग को जड़ से मिटा सकता है। गॉड ऑफ आयुर्वेद यानी लॉर्ड धन्वंतरी के हाथों में लीच को बताया है एक कारण की वजह से। इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट्स है, आज हम बात करने वाले हैं। स्किन, हेयर, इनक्योरेबल कंडीशंस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, ऐसे कौन से डिजीजेस किस तरह से काम करते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस लीच थेरेपी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एनी डाउट्स और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। समझते हैं इस टॉपिक को एक इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले हमें जानना होगा पंचकर्म के बारे में। पांच पंचकर्म यानी वमन विरेचन वस्ति नस्य रक्त मोक्षण। पंचकर्म क्या है? जो इंटरनली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है एक सबसे ऑथेंटिक तरीके से, एक ऑथेंटिक और ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन यानी पंचकर्म। मसाज, शिरोधारा या रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट्स ये पंचकर्म में नहीं आते, ये पूर्व कर्म कहा है। पंचकर्म यानी इंटरनली बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करना। पंचकर्म में से एक है रक्त मोक्षण। आचार्य सुश्रुत रक्त मोक्षण के बारे में कुछ ऐसे कहते हैं कि 50% ऑफ द ट्रीटमेंट ये सिर्फ और सिर्फ रक्त मोक्षण है। सही तरह का पंचकर्म सही तरह के पेशेंट्स के लिए अगर हम करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। इसके लिए हमें समझना है रक्त का क्या महत्व है। रक्त क्या है? तो रक्त वो है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है, जिस तरह से एक पेड़ के रूट्स पेड़ को सपोर्ट करते हैं वैसे। ऐसे कहा है रक्त को जीवा यानी लाइफ। और जब ये रक्त का अशुद्धिकरण होता है, अशुद्ध होता है दोष के वजह से, तब कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। रक्त मोक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो अशुद्ध रक्त को शरीर से बाहर निकाल देती है। रक्त मोक्षण ये दो प्रकार के होते हैं, शस्त्र अनुशस्त्र। शस्त्र यानी विद द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे दो तरह के है, प्रच्छान्न सिरावेद जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अनुशस्त्र यानी जलों का अलाबु श्रृंग गति, उसमें से एक है जलों का अवचरण यानी लीच थेरेपी। अलग अलग तरह के रक्त मोक्षण अलग अलग तरह के रोगों के लिए बताए गए हैं। लीच थेरेपी के बारे में ऐसे कहा है जहाँ पर रक्त पित्त के वजह से खराब हुआ है, ऐसे कंडीशन में लीच लगाना चाहिए, उसके बेहतरीन रिजल्ट्स। लीच के बेनिफिट्स के बारे में बात करने से पहले जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। व्हाई इज इट यूजफुल एंड हाउ इज इट यूजफुल। तो लीच के दो मेन एक्शंस होते हैं, दो मेन एक्शंस। पहला है अशुद्ध रक्त को शरीर से बाहर निकालना, और दूसरा है लीच के जो सलाइवा है ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे शरीर को इन्हों जिसकी ज़रूरत है। ऐसे एंजाइम जो किसी भी दवा, सप्लीमेंट, ड्रग, मेडिसिन, द्रव्य किसी में भी ये प्रेजेंट नहीं है, ऐसे एसेंशियल एंजाइम्स। एसेंशियल एंजाइम जैसे कि एंटीस्टेसिन, हीरोस्टेसिन, एग्लिन, जो कि पेन को कम कर रहा है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। ऐसे एंजाइम्स जैसे कि हीरुडिन जिसको एंटी कोएगुलेंट कहा है, ऐसे एंजाइम जो ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं जैसे कि एसिटाइल कोलिन या हिस्टामिन लाइक मॉलिक्यूल्स, ऐसे एंजाइम्स जैसे कि सेरेटिन, कैलिन, डेक्रोसिन या फिर हाइलोरोनिडेज या कोलेजिनेस, कई एंजाइम्स जिसके बेहतरीन रिजल्ट्स है उस रोग को ठीक करने के लिए। ऐसे एंजाइम जो कहीं पाए नहीं जाते ये लीच के सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सो दो काम, एक है रक्त अशुद्ध है उसे शोषण करना, सक करना, और दूसरा एंजाइम्स वहाँ पर देना जिससे कि हीलिंग हो रही है, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सो कई कंडीशंस ऐसे कहा है
पित्त नास्ति दाह, दाह यानी बर्निंग, नास्ति यानी विदाउट। सो कहीं पर भी बर्निंग है वहां पर पित्त मौजूद है। सो बर्निंग के जितने भी रोग आपको पता है जहां पर फनफन या ठसठस या बर्निंग दिखाई देती है वहां पर लीच के बेहतरीन रिजल्ट्स है, जिसे त्वचा विकार, एक्ने, पिंपल्स, सोरियसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शन, लाइकन प्लेनिस, पिम्पिगस वल्गैरिस, स्केबीज, ऐसे कंडीशन में बर्निंग या इचिंग या पेन दिखाई देता है, ब्लिस्टर्स, ब्लीडिंग दिखाई देती है, यहां पर लीच के बेहतरीन रिजल्ट्स है, आउट ऑफ द बॉक्स इसके रिजल्ट्स है। वी आर लकी एंड ग्रेटफुल कि हम 40 से भी ज्यादा देशों में आज आयुर्वेद और सिर्फ आयुर्वेद द्वारा ट्रीटमेंट्स दे पा रहे हैं। हम अगर उन पेशेंट्स के लिए लीच कर पाते तो वो बहुत इमीडिएटली बहुत बेहतरीन उनके रिजल्ट्स होते। आज भी वो बहुत ही क्विक है, फास्ट है, अलग तरह के पंचकर्मा की वजह से, विरेचन, ऐसे ट्रीटमेंट्स हमें उन पेशेंट्स के लिए करने पड़ते हैं। विरेचन द्वारा उनके बड़े हुए दोष को शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। लीच ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे आयुर्वेदिक फिजिशियन के सुपरविजन के अंडर ही किए जाते हैं, बिकॉज लीच को मेंटेन करना, लीच को इस्तेमाल करना, उसको हार्म नहीं होना चाहिए लीच को कुछ, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो वेरिकोज वेन से लेके नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में पेन होना, जानुशूल जिसको कहते हैं, पेनफुल कंडीशन जैसे गुरुद्रसी, साइटिका या सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस, लंबर स्पॉन्डिलिसिस, वात रक्त जिसे कहते हैं गाउट जो कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है, टेंडनाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, एल्बो पेन, कहाँ भी पेन है वहां पर यू नो हम देखते हैं रक्त का एसोसिएशन, अशुद्ध रक्त वहां पर होता है, अशुद्ध रक्त, प्रकोपित वायु, ये दर्द के कारणीभूत होते हैं और लीच थेरेपी द्वारे ये प्रकोपित वायु और अशुद्ध रक्त को हम फिक्स कर सकते हैं। सो लीच थेरेपी पेनफुल कंडीशन के लिए भी, संधिगत वात के लिए भी इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हम देखते हैं, जहाँ पर यू नो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स है, ऑटो इम्यून कंडीशंस है, हाइट को बढ़ाने के लिए ये मर्म है वहां पर लीच लगाया जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी पे यहाँ पर लगाया जाता है, जैसे पिट्यूटरी स्टिमुलेशन हम देखते हैं। सो अलग अलग तरह के मर्म बताए अलग अलग रोगों के लिए, बेहतरीन इसके रिजल्ट्स है। प्लैंटर फेशाइटिस या बर्निंग इन द फीट, पेन इन द हील बोन और पेन इन द हील, हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी दवा लेनी है, दवा काम ही नहीं कर रही, पेन कम ही नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में एक लीच थेरेपी से पेशेंट का 80 से भी ज्यादा परसेंट पेन कम हुआ है। इमरजेंसी केसेस जैसे अपेंडिसाइटिस, जहाँ अपेंडिक्स जो ऑर्गेन है उसका इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, एक बच्चा पेरेंट्स के साथ यू नो रश कर रहे थे, बच्चे को बहुत पेन हो रहा था पेट में अपेंडिसाइटिस की वजह से, पेरेंट ने फोन किया सर हम क्या कुछ आयुर्वेद में कर सकते हैं, आ जाइए सेंटर पे, वील डू लीच, लीच थेरेपी, जलों का उच्चारण मैकबर्निस पॉइंट पे हमने किया, जैसे अशुद्ध रक्त लीचेस शोष रहे थे, खींच रहे थे, वैसे दर्द कम हो रहा था, पेन लीच थेरेपी के एंड ऑफ द सेशन पे पूरा खत्म हो गया। वही सेशन 10 दिन में रिपीट किया, 10 दिन दौरान थोड़ा सा भी पेन नहीं, 10वें दिन पे लीच थेरेपी रिपीट किया गया और फिर और 10 दिन का गैप रखा गया और 20th डे पे, फर्स्ट डे जहाँ पर फर्स्ट लीच किया था उससे 20th डे पे अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अब्डोमिन पेल्विस, जानबूझ के पेल्विस की भी हमने रिपीट की और देखा गया कि देर इज नो अपेंडिसाइटिस, देर इज नो इन्फ्लेमेशन, अपेंडिक्स इज नॉर्मल। सो ऑर्गन को निकाले बगैर प्रॉब्लम सॉल्व होना सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद की वजह से, सिर्फ और सिर्फ लीच थेरेपी की वजह से। ये कई सारे एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं, कई लेजेंडरी आयुर्वेदा फिजिशियंस जो आयुर्वेद में लेजेंड्स है वो फिजिशियंस के तो और भी ज्यादा मेरेकल रिजल्ट्स देखे हैं उन्होंने। आई वॉज लकी इनफ टू बी विद देम, उनसे सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली और उनके वजह से, आयुर्वेद की वजह से आज कुछ पेशेंट्स के लिए हम कर पा रहे हैं, टीचर्स की वजह से, आयुर्वेद की वजह से और ये सारे सुंदर ट्रीटमेंट्स की वजह से। सो जहाँ कहीं भी हम वायु प्रकोपित, रक्त अशुद्ध, पित्त प्रकोप देखते हैं वहाँ पर लीच के बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। जैसे आचार्य सुश्रुत ने कहा है 50% ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ रक्तमोक्षण द्वारा, चाहे वो सिरावेद हो, प्रचान हो, जलो का, श्रृंग, अलाभुगति, कोई भी टाइप का रक्तमोक्षण अगर हम यू नो वो सुटेबल पेशेंट के लिए करते हैं, रिजल्ट्स तो आना ही आना है, सिम्टम्स कम होने ही होने और संप्राप्ति इससे भंग हो रही है, पैथोजेनेसिस क्लियर हो रहा है वही के वही जब हम रक्तमोक्षण कर रहे हैं। हर्पिस जैसे प्रॉब्लम अनबेरेबल कंडीशन है, लीच और सिरावेद द्वारा इमीडिएटली हम देखते हैं कि पेशेंट स्टेबल हुआ है।
कई बार एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये सेफ है, मुझे इन्फेक्शन तो नहीं होगा? तो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो लीचेस लगाते हैं वो सेफ होते हैं, वो फ्रेश होते हैं। 12 तरह के लीच बताए, 6 पॉइजनस, 6 नॉन पॉइजनस। जो नॉन पॉइजनस है वही आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर टाइम लीच जो है वो फ्रेश इस्तेमाल किए जाते हैं। लीचेस इस्तेमाल करने के बाद उसका पश्चात कर्मा यानी पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है, यानी लीच का वमन करना, जो सक किया है ब्लड लीच ने उसको वॉमिट आउट करना ताकि लीच सेफ रहे, लीच को कोई तकलीफ ना हो, ये भी प्रोसेस की जाती है। टाइम टू टाइम लीच का पानी चेंज करना, लीच के मेंटेनेंस के लिए जो जो चीजें आचार्य शुश्रुत ने बताए हैं वो सारी चीजों का पालन हर एक सेंटर पे हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर फॉलो करते हैं ताकि लीचेस को कुछ हार्म ना हो और पेशेंट्स को कभी भी हार्म वैसे भी नहीं होता, बिकॉज वो सारे जो टिप्स है सारी चीजें हैं फॉलो किए जाते हैं। सो सेफ्टी के बारे में, इट इज सेफ, साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसका पेन के बारे में कई पेशेंट्स को रहता है कि पाइल्स के लिए लीच लगाना है पेनफुल होगा, या साइनुसाइटिस राइनाइटिस के लिए लगाना है पेनफुल होगा। आपको बताना चाहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जहां पर आप आइटिस देखते हो, शब्द के पीछे आइटिस, साइनुसाइटिस राइनाइटिस ब्रोंकाइटिस वेस्कुलाइटिस अपेंडिसाइटिस मैस्टाइटिस, जहां कहीं पे भी आइटिस वहां पर इसके बेहतरीन रिजल्ट्स है। आइटिस यानी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पेशेंट के सालों साल ट्रीटमेंट चलते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, डिजीज वापस आ जाता, ऐसे कंडीशन में लीच करना चाहिए। लीच के बेहतरीन रिजल्ट है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, रूट कॉज को ट्रीट करने के लिए, अलग अलग मर्म अलग अलग रोगों के लिए बताए गए हैं। सो जैसे हम कह रहे थे कि क्या ये पेनफुल है, तो जितना तकलीफ पेशेंट को हो रहा है उसका 1% तकलीफ, पिंच करते हैं उससे जितना तकलीफ होता है उतना तकलीफ सिर्फ और सिर्फ होता है। सो कोई डैमेज नहीं है। ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करना है, आयुर्वेदिक फिजिशियंस को सारी चीजें पता है, प्रॉपर ख्याल रखा जाता है ये लीचेस को मेंटेन करने के लिए, ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से होने के लिए लीच सेंटर पे आके हमेशा करना पड़ता है। लीच के रिजल्ट्स दिखाई देते हैं इमीडिएटली, बिकॉज अशुद्ध रक्त ये मुख्य कारण है कई रोगों का। ये पेन अगेन जैसे मैंने कहा कम से कम होता है। सो कई बार होता है कि लीच विल बाइट मी, नॉट एट ऑल, कुछ नहीं ऐसा होता है, बहुत कम पेन होता है, फील हार्डली फील होता है कुछ, राइट, हार्डली कुछ फील होता है। सो इट्स वेरी सेफ, ज्यादा पेन नहीं होता, नो साइड इफेक्ट्स, नो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन, क्योर्स द रूट कॉज, बेहतरीन रिजल्ट्स है। आपके कोई डाउट्स है क्वेश्चंस है आप लीच के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, विल रिस्पॉन्ड यू बैक। टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फर्दर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।